नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, किसानों का कल्याण और जल संरक्षण बजट की मुख्य विशेषता। बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, उच्च आय वर्ग वाले लोगों पर बढ़ाया गया कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट में वर्तमान और भावी पीढ़ी की चिंताओं को ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समावेशी बजट के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। और कांग्रेस तथा राजद समेत अन्य विपक्षी दलों ने कहा, बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज लोकसभा में पेश किया। बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना, किसान कल्याण और जल संरक्षण बजट की मुख्य बातें हैं। बजट में अगले 5 वर्षों के दौरान बुनियादी सुविधाओं पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2022 तक 1.95 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य है। इन घरों में शौचालय, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि मकान निर्माण का लक्ष्य 314 दिनों से घटाकर 114 दिन कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक हर एक घर में बिजली और रसोई गैस कनेक्शन पहुंचा दिया जाएगा। बजट में जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि के क्षेत्र में व्यापक निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पूर्व में की गई घोषणा के मुताबिक सालाना 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से अधिक आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे आधार संख्या के आधार पर भी अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। 45 लाख रुपए तक के घर खरीदने पर ब्याज में 3.5 लाख रुपए की छूट का प्रस्ताव है। पहले यह सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित थी। एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक नकदी निकालने पर 2% TDS लगेगा। एक साल में विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा। इसके अलावा चालू खाते में 1 करोड़ रुपए जमा करवाने और 1 वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की बिजली खपत करने वाले व्यक्ति के लिए कर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य बनाया गया है। देश में रह रहे NRI को पैसा या संपत्ति के रूप में गिफ्ट देने पर उस पर भी कर का भुगतान करना होगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर ब्याज से आय पर TDS में छूट 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। किराए से आमदनी पर TDS में छूट की सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए करने का प्रावधान है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश से मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। बजट में डिजिटल पेमेंट पर छूट का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने नारी तू नारायणी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके तहत महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर के सभी जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार किया जाएगा और मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रत्येक समूह में 1 महिला को 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। बजट में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन का फायदा दिया गया है। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत आते ही आधार देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें अब इसके लिए 3 महीने तक इंतजार नहीं करना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग किया जाएगा। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई मेट्रो लाइनों के विकास पर भी काम किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बजट में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस एक एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे ये उत्पाद 2 रुपये प्रति लीटर महंगे हो जाएंगे। सोना और अन्य कीमती धातुओं तथा बेशकीमती रत्नों पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। वाहनों के पुर्जे, सिगरेट, बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पाद, डिजिटल कैमरे, ऑप्टिकल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील तथा मिश्रित स्टील से बनी सामग्रियां, सीसीटीवी और मार्बल जैसे कई उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। स्प्लिट एयर कंडीशनर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और लाउडस्पीकर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर अब अधिक शुल्क लगेगा, जो 5 से 15% के बीच होगा। वहीं आम बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। इन गाड़ियों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन पर लिए गए कर्ज पर 1.5 लाख रुपए तक ब्याज में छूट देने का प्रस्ताव किया है। सेट टॉप बॉक्स, कॉम्पैक्ट कैमरा मॉड्यूल, मोबाइल फोन चार्जर, लिथियम आयन बैटरी सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त पूंजी सामान पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है, जिससे ये वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह बजट 21वीं सदी के भारत का बजट है। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग, युवा और गरीबों का ख्याल रखा गया है, जिससे उनका भविष्य बेहतर होगा। ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित हो। ये बजट वर्ष 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य प्रशंसनीय है। उन्होंने जल संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण के हित में उठाए गए कदमों की सराहना की है। राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आम बजट समावेशी है और इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ नया है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए बजट राहत लेकर आया है। श्री मोदी ने कहा कि बजट का लाभ बिहार जैसे राज्यों को मिलेगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि आम बजट को विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों और आम नागरिकों की आवाज को सुने बिना तैयार किया गया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में मनरेगा, दोपहर के भोजन की योजना और स्वास्थ्य की योजनाओं के बारे में आवंटन की जानकारी नहीं दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बजट में बिहार के साथ धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बजट को निराशाजनक बताया है। पार्टी नेता एलमारम करीम ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि यह उद्योगपतियों के अनुकूल बजट है और इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नया नहीं है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने बजट को समावेशी और हर क्षेत्र का ख्याल रखने वाला बताते हुए इसकी सराहना की है। मैं प्रोफेसर जितेंद्र नारायण, राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। यह बजट देश के विकास में नौजवानों, किसानों और मध्यम वर्ग की जो भूमिका रही है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी चिंता की गई। मैं किसान देवशंकर राय, ग्राम पंचदुखी समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। इस बजट में गरीब तबके के लोगों को और किसानों को ख्याल रखा गया है। खास करके किसान पेंशन योजना से पूरे देश के किसानों की दशा सुधारने में मदद मिलेगी। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के नई सराय मोहल्ला से एसटीएफ ने 4 तस्करों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय स्टेशन पर रेल पुलिस ने ट्रेन से एक तस्कर को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, किसानों का कल्याण और जल संरक्षण बजट की मुख्य विशेषता। बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, उच्च आय वर्ग वाले लोगों पर बढ़ाया गया कर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट में वर्तमान और भावी पीढ़ी की चिंताओं को ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समावेशी बजट के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। और कांग्रेस तथा राजद समेत अन्य विपक्षी दलों ने कहा, बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।